आज हम बात करेंगे फ्लक 305 क्लैम मीटर, जो इंडस्ट्रियल एरिया में कॉन्टेस्टर नाम में भी परिचित है। तो इससे क्या होता है, अब किसी भी सर्किट पे रेजिस्टेंस, कॉन्टिन्यूटी, उसका लोड, डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज सब मेज़र कर सकते हैं। ये 305 का मैक्सिमम वोल्टेज 600 वोल्ट तक और मेज़र कर सकते हैं एंड 1000 एम्पियर तक मेज़र कर सकते हैं। ये फ्लक का 305 मॉडल है, बहुत ही अच्छा है। तो इसका फंक्शन के बारे में थोड़ा बोल देता हूँ। ये अभी ऑफ में है, अगर कहीं भी वोल्टेज चेक करना होगा एसी वोल्टेज, तो अब ये जो एसी का साइन है एसी वोल्टेज में सिलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ पर एक कॉमन है और एक वोल्टेज रेजिस्टेंस का साइन है। तो ये हमारा टेस्टिंग लीड है, कॉमन पे ब्लैक जाएगा और वोल्टेज यहाँ पर रेड जाएगा। ठीक से बैठा दिया हमने। अभी क्या होगा, जब यहाँ से हम एसी वोल्टेज मेज़र कर पाएंगे, फिर हम डीसी भी मेज़र कर पाएंगे, किसी भी सर्किट का रेजिस्टेंस चेक करना होगा कॉन्टिन्यूटी, तो वहाँ पर भी हम चेक कर पाएंगे। कैसे, अगर यहाँ पर तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, फिर भी हम दिखा देते हैं। जब ये टच करेंगे तो ये साउंड करेगा और यहाँ पर रेजिस्टेंस वैल्यू दिखाएगा। फिर आते हैं एम्पियर, जो लोड है। तो किसी भी सर्किट को बंद ना करके वह का जो केबल है वह यहाँ से अगर ऑपरेट करेंगे केबल के अंदर, तो हमें ये लोड शो करेगा कितना एम्पियर लोड ले रहा है एसी, कितना लोड शो कर पाएगा। और इसका ऑपरेटिंग बहुत ही इजी है। यहाँ पर होल्डिंग स्विच है, अगर कहीं पर भी सोचो अगर 10 एम्पियर लोड ले रहा है, तो वो लोड को हमको यह दिखाना होगा, तो तभी हम इसको दबाएंगे तो ये होल्ड कर जाएगा। फिर हम बाहर उसको ले आके देख सकते हैं, किसी को दिखा सकते हैं, फिर होल्ड छोड़ने से छोड़ हो जाएगा। और एक स्विच है जो लाइट का बटन है। लाइट का बटन कैसा होगा, अगर कहीं पर अंधेरा है दिखाई नहीं दे रहा है, तो लाइट का बटन बनने से इस स्क्रीन में थोड़ा एक लाइट आ जाएगा जो आप देख सकते हैं। फिर दोबारा दबाने से बंद हो जाएगा। अब आते हैं इसका बैटरी पोजीशन है। ये इसका बैटरी जहाँ रहता है, और इसको ओपन करना बहुत इजी है। अपना अब टेस्टर से थोड़ा घुमाइए। लॉक हो गया, हाँ, करने से पहले मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ये घुमा के उठाने से आपका बैटरी नज़र आ जाएगा। दो पेंसिल बैटरी यूज़ होता है, जो आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा। फिर इसको क्लोज करने से और इसको घुमा देने से ये लॉक हो जाएगा।